जिस स्वच्छ भारत अभियान, सात निश्चय और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर राज्य की वर्तमान नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जीतने के लिए एरी चोटी एक कर रखा है, उसका एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है महुआ नगर पंचायत कार्यालय। बाहर से देखते ही समझ जाएंगे कि कितना बेहतर है यह कार्यालय। चलिए, कार्यालय जैसा भी हो, लेकिन अब दिखाते हैं कार्य। सरकार की एक नीति के तहत कचरा संग्रहण कर उससे जैविक खाद बनाने के लिए राशि आवंटित की गई। जैविक खाद बनाने का स्थान भी निश्चित हो गया और वहां सेट भी बन गया। काम भी माँ प्रताप सेवा संकल्प नामक एनजीओ को मिल गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ना ही सही तरीके से कचरा साफ हो रहा है और न खाद बनाने वाले जगह पर डंपिंग। स्थानीय लोगों की बात माने तो इस योजना के तहत हर महीने 11 लाख रुपए का बंदरबांट हो रहा है। कोरोना होने के कारण न किसी से राय विचार लिया गया, न किसी कोई बोर्ड से पारित किया गया और एक 11 लाख रुपया प्रति माह के हिसाब से एनजीओ को दे दिया गया है, जिसमें 124 लेबर या 22 लेबर दर्शाया गया है, जबकि मात्र 56 लेबर या 58 लेबर के माध्यम से ही साफ सफाई कार्य चल रहा है, जिस संबंध में हम लोग लिखित आवेदन भी दिए हैं। महुआ के पूर्व उप मुख्य पार्षद के पति दिनेश राय ने भी आरोप लगाया है कि एनजीओ ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया, लेकिन इस कार्य के लिए महुआ नगर पंचायत कार्यपालक अधिकारी, नगर अध्यक्षा और उपाध्यक्षा की मिलीभगत से हर महीने 11 लाख रुपए का एनजीओ को भुगतान किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। डायरेक्ट लूट मचा हुआ है। यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और एनजीओ, ये चारों के चारों लोग मिलके नगर पंचायत को लूट रहे हैं। 11 लाख रुपया में एनजीओ को दिया गया साफ सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रहण एवं एक पीच का निर्माण कराया गया, जो 7-8 महीना पहले पीच बन के तैयार हो गया। उस पीठ का काम था जो उसमें जो भी नगर पंचायत के अंदर का जो भी कचरा है, उस कचरा को संग्रह करके उससे जैविक खाद की तैयारी करनी थी। एनजीओ को जो दिया गया उसमें भी कहा गया कि जो पीठ में भी तो लेबर लगेगा और उसमें जो कार्य होगी उसका भी उसे 11 लाख में इंक्लूड है, लेकिन इन लोगों ने लूट मचा रखा है। अभी तक तो उसमें काम हुआ नहीं, लेकिन उसका भी भुगतान ही लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, उसके मुताबिक नगर विकास विभाग के द्वारा इस कार्य के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपए निर्गत किए गए हैं, लेकिन सब पैसों का बंदरबांट शुरू है। इस मामले में जब कार्यपालक पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उनका नंबर बंद पाया गया। अब देखना है कि समय रहते कार्यपालक पदाधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। लाइव इंडिया के लिए महुआ से प्रेम झा की रिपोर्ट।